हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राम और आपका मेरे लर्निंग एजू पॉइंट चैनल पे स्वागत है। सो दोस्तों, अभी तक हमने 6 टॉपिक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से एक बार बता देता हूँ। पहला कॉपी पेस्ट वाला, दूसरा सम वाला, तीसरा रो इंसर्ट डिलीट, चौथा वर्कशीट, पांचवा कौन सा था मैं भी देख लूँ यार, मुझे कोई याद नहीं है। पांचवा कितना था? सेव शीट। 6 हमारा था कॉलम और रो को कैसे सेलेक्ट करें। और सातवा, आज का सातवा टॉपिक है दोस्तों हमारा, एक्सेल में अंडू रिडो कैसे करें। क्योंकि कल दोस्तों मैंने कुछ 6 वाले टॉपिक में ऐसे बोल दिया था कि आपको कि मैंने अंडू और रिडो वाली चीज़ें बता दी हैं, जबकि वो मैं भूल गया था कि मैंने बताई नहीं है। मेरे को ये याद था कि मैंने बता दिया, क्योंकि मैं तो टॉपिक बना लेता हूँ ना, तो मेरे को ये याद रहा कि मैंने बता दी। सो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंडू और रिडो कैसे करें। रिडो, अंडू और रिडो मतलब दोस्तों क्या होता है? अंडू का मतलब होता है जो मैंने किया है, फिर मैंने उसमें कोई चेंज कर दिया दोस्तों, या तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, या मैंने कोई राम नाम लिखा हुआ था उसके आगे मैंने कुमावत लिख दिया, फिर उसमें क्या हुआ, चेंज हो गई। अब मेरे को चेंज को वापस से वहीं पहुंचना है जो चेंज से पहले था, क्योंकि मैंने जो चेंज किया उसको वापस से ख़त्म करना, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए मुझे अंडू का प्रयोग करना होता है। और रेडो, रेडो का मतलब होता है दोस्तों जो मैंने अंडू कर दिया है उसको रेडो, उसको वापस से लाना। जैसे मैं बताता हूँ दोस्तों, ऐसे नहीं समझोगे आवाज़, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंसान घूमता ही है। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या होता है अंडू। सो दोस्तों, अंडू 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 आ जाओ। जैसे दोस्तों ये क्या हुआ कि मान लो मैंने काम करते वक्त, जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया दोस्तों, सम का लगाते हैं हम, सम का काफ़ी दिन हुआ आपको याद हुआ। सम के लिए दोस्तों क्या करना है, हमें इक्वल का साइन लगा कर सम प्रेस करना है। सम प्रेस करने के बाद दोस्तों क्या करना है, मुझे टैब प्रेस करना है शॉर्टकट, फिर मुझे लेफ्ट एरो से क्लिक करना है जहाँ तक का टोटल लगाना है। सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, शिफ्ट के साथ में राइट लेफ्ट और ये एरो का यूज लूँगा जितने भी हैं। तो किस तरफ जाना है मेरे को, राइट की तरफ, तो राइट एरो लूँगा शिफ्ट के साथ। ये चारों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने प्रेस कर दिया, ये आ गया मेरा 2 34 6। अब मेरे को इसको, मैंने फॉर्मूला तो लगा दिया, पर ये लगाना नहीं चाहिए था दोस्तों। बात ये, मैं इसको नॉर्मली बता रहा हूँ, बाकी आपके से कोई भी गलती हो सकती है। जैसे मान लो ये था, ये मेरे से गलती से क्या हुआ, एंटर दब, एंटर क्या, इस बैक स्पेस दब गया। ये लो, ये लो, ये लो, यहाँ पे मेरे को ई दब गया, यहाँ पे वाई दब गया। लो, इसको सही करना है। अब क्या करूँ, ये तो गलती होगी मेरे को, तो ये तो बहुत बड़ी शीट थी, ये तो छोटी है फिर भी बहुत बहुत बड़ी है। ये भी नहीं याद होंगे दोस्तों आपको, अभी तक ये भी याद नहीं है कि इसकी कितनी सैलरी है। सो अभी कैसे करोगे, उसके लिए दोस्तों क्या होता है, अंडू होता है। अंडू, अंडू के लिए माउस में अंडू का ऑप्शन कहाँ पर होता है दोस्तों, ये रहा। आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ ऊपर कॉर्नर में जाएंगे, कॉर्नर में पहला बटन आता है आपके पास सेव का, है ना, और दूसरा आता है आपके पास अंडू का। ये देखिए, ये दिखा रहा है अंडू टाइपिंग Y-N-S-10-Ctrl-Z, ठीक है। अब मैं इस पर प्रेस करूँगा माउस से, ये देखिए, तो देखना यहाँ से ये सारी चीज़ें ना ये चेंज होती जाएंगी, जो जो मैंने चेंज किया ना, गलती कर दी मैंने ये 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 ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखना, यहाँ से किया, ये देखिए 21375 आ गया, उसके बाद ये देखिए 16058 आ गया, जो कि जो वैल्यू थी 18863 वापस से आ गए, 1000 आ गया, 10000 आ गया, ये आ गया। या हमने फॉर्मूला लगाया था, इसको भी अंडू करना, ये भी गलती से लग गया, ये लो हट गया। ये तो था अंडू। अब दोस्तों ये लो, फिर से हम वापस से इसे गलती कर देते हैं, ये लो, 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 सारे हमने चेंज कर दिए, मुझे नहीं पता क्या। अब इसको अंडू का शॉर्टकट क्या है दोस्तों, शॉर्टकट के लिए दोस्तों बताते हैं। चलो, अंडू का शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल के साथ जेड, ठीक है, कंट्रोल के साथ जेड। तो कंट्रोल के साथ जेड, तो देखते हैं यहाँ पे आए और प्रेस करना आपको कंट्रोल और जेड, तो देखिए करेंगे जैसे करते जाएंगे ये चेंज होता जाएगा। ये देखिए 12548 11025 वापस से वही वैल्यू आ गई, अंडू
अंडू, जो मैंने गलती की उसको वापस से सही करना, वही होता है अंडू। जो मैंने अनजाने में हो गई या मेरे से कुछ भी हो गया, गलती हो गई इसमें, उसे बोलते हैं अंडू। अब ये लो दोस्तों, ये था ठीक है। अब मेरे को रीडो, रीडो क्या होता है? जो मैंने गलती की, मान लो वो सही थी, पहले तो मेरे को लगा गलती मेरी गलती थी, तो मैंने वापस से उसे अंडू कर दिया। अब उसे क्या पता चला कि वो तो गलतियाँ सही थी, जो एस एस लिखे वो सारे सही थे, अब उसको वापस से कैसे लाऊं? मैंने कंट्रोल जेड तो कर दिया। तो उसके लिए रीडो के लिए दोस्तों ये आता है, अंडू का उल्टा होता है रीडो, ठीक है। तो ये हो गया रीडो, रीडो मतलब कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई बता रहा है। और ये देखो एस एस एफ डी, ये बता भी रहा है कि ये गलतियाँ जो भी थी। अब देखो इस पर प्रेस करोगे, ये देखो एस एस एफ एफ डी, ये बता दिया था ना इसने कि यहाँ पे आपने। दूसरा हमने अंडू से रीडो किया, ये देखिए इसमें किया था एस डी डब्ल्यू था इसमें, ये देखिए ई डब्ल्यू था, ये देखिए ई डब्ल्यू था यहाँ पे, ये क्यू डब्ल्यू आ गया और ये आर एफ ई एफ आ गया। ये होता है रीडो उल्टा, ठीक है। अब इसका वापस से इसका शॉर्टकट क्या होता है दोस्तों? मैं इसको वापस से अंडू कर देता, अंडू के लिए मैंने कंट्रोल जेड बताया वापस से सही करने के लिए। ये देखिए सही हो गया, ये सही हो। अब मेरे को वापस से रीडो करना है, जो एस एस वाई वाई जितने भी थे मान लो वो सही थे, अब मेरे को वापस से उसे सही करना है, तो कैसे करूँगा? तो उसके लिए मैं कंट्रोल वाई प्रेस करने वाला हूँ। शॉर्टकट क्या होता है रीडो का? कंट्रोल वाई, ये लो। तो कंट्रोल वाई प्रेस करो, ये वाई प्रेस किया, एस एस एफ डी आ गया, ये एच डी डब्ल्यू आ गया, ये ई डब्ल्यू आ गया, कंट्रोल के साथ वाई करने पे ये ई डब्ल्यू आ गया, ये ई डब्ल्यू, ये लो। ये था हमारा अंडू और रीडो। अंडू मतलब समझ गए दोस्तों, जो मैंने गलती की है, जो मैंने सही था उसमें मैंने जानबूझ कर या मेरे से अनजाने में कोई बटन प्रेस हो गया, उससे गलती हो गई है ना, उसको वापस से सही करना, मुझे वही जगह पे जाना जो मेरी पहली थी, उसके लिए मैं कंट्रोल जेड करूँगा। और जो मैंने गलती को सुधार दिया है पर बाद में पता चला कि वो गलती नहीं थी, जो मैंने सुधार दिया था वो गलती नहीं थी, वो सही थी, तो वापस से वहीं जाने के लिए मैं वापस से कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा, तो कंट्रोल वाई प्रेस करने पे वो वापस से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक अंडू और रीडो। सो दोस्तों लास्ट बात मेरी, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आपको क्या करना है, अपने YouTube के सर्च बार में जाना है, वहाँ पे आपको लर्निंग एजु पॉइंट सर्च करना है, उसके बाद ऐसा एक्सेल या लर्निंग एजु पॉइंट ये दिखेगा, उसके बाद उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखने वाला ये रेड कलर वाला, उस पर प्रेस करोगे। प्रेस करने के बाद दोस्तों कमेंट और लाइक और शेयर, ये तीनों ना भूले, यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो। और यदि मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि हर इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलती सभी से होती है, कोई मशीन पैदा नहीं होता, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।